नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। महोबा में अभी दो दिनों पूर्व महिला से इलाज के एवज में 5,000 लेने का मामला शांत नहीं हुआ था कि फिर एक बार स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। महोबा के सरकारी अस्पताल लूट खसोट के गढ़ बन चुके हैं। नवजात बच्ची की मौत के बाद उसके शरीर पर चींटियां रेंगने से परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया तो वहीं डिलीवरी के नाम पर रुपए लेने की बात कही है। महिला चिकित्सालय में तैनात मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की लापरवाही से परिजनों में रोष व्याप्त है। महोबा शहर कोतवाली के भटीपुरा की रहने वाली राजकुमारी ने बताया कि मेरी भाभी 3 दिन पूर्व डिलीवरी के लिए महिला चिकित्सालय में भर्ती हुई थी। डिलीवरी के बाद मेरी भाभी ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। हल्का बुखार होने पर हमने इसकी सूचना जिला अस्पताल में तैनात नर्सों को दी, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और मेरी बच्ची को नहीं देखा। पूरी रात नवजात बुखार से तड़पती रही, लेकिन जिला अस्पताल में तैनात नर्सों का दिल नहीं पसीजा। अंत में बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे देखा, तब तक बच्ची की हालत खराब हो चुकी थी। आनन फानन में उसे SNCU में भर्ती कर लिया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मेरी भाभी की नवजात बच्ची की मौत हो गई। मौत के बाद भी वह उसे SNCU में ही रखे रहे और कहती रही कि उसका इलाज चल रहा है। जब हम लोगों ने बच्ची को देखने को कहा तब उन्होंने मुझे मृत बच्ची को सौंप दिया। मृत बच्ची के कपड़े में कई चींटियां रेंग रही थी। मेरी मृत बच्ची को चींटियां खा रही थी। जब मैंने स्टाफ को शरीर में रेंगती चींटियां दिखाई तो वह चींटियों को झाड़ते हुए बोली कि इसमें चींटियां नहीं हैं। इतना ही नहीं, डिलीवरी के समय भी यहाँ के स्टाफ ने मुझसे 5,000 रुपये लिए थे। नवजात बच्ची की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं अस्पताल में भर्ती एक अन्य मरीज ने भी रुपए के लेन देन की बात स्वीकारी। उसने भी यह बताया कि जिला अस्पताल में बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता। मैंने स्वयं ही अपने बच्चे के इलाज के लिए यहाँ मेडिकल स्टाफ को पैसे दिए और मजबूरन आज इलाज ना मिलने से मैं अपने नवजात बच्चे को रेफर करवा रही हूँ। महोबा से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजकुमारी। जो जो बच्चा मृत हुआ है इसकी आप कौन है? बुआ है। क्या कुछ मामला हुआ है, कैसे मृत हो गया? जब हम आए सुना है कि बच्चा खत्म हो गया, हम आए दौड़ते तो हम देखे कि बच्चे के कपड़े में बहुत सारी चींटियां थी। हमने कही भी है कि देखो इन्हें चींटियों ने, तो उसने मेरे आंखों के सामने चींटियां मार मार के कहां है ऐसे हिला हिला दिया ये कपड़ा। वो कह रहे नहीं है। जब चींटियां हैं तो हैं। दो दिन से चींटियां खा रही मेरे बच्चे को। लापरवाही पूरी है। वो 5,000 रुपये ले लिए जिसने नई डिलीवरी करवाई है। किसने? स्टाफ नर्स थी? हाँ स्टाफ ही थी। जब रात की ड्यूटी है तो स्टाफ ही होगा। नाम पता है नर्स का? नहीं जानते हम। कब हुई थी? परसों हुई थी। अच्छा, बच्चा खत्म हुआ है, क्या किसकी जिम्मेदारी मानती है आप? किसकी? ये तो डॉक्टर की है कि जब डॉक्टर के सामने चिड़िया खा रही तो बदल के रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए। डॉक्टर था। अब आप क्या चाहती है इस पूरे मामले में, क्या चाहती है, किस प्रकार की कार्रवाई? हम तो जानते हैं कि सबको नहीं आया मिला, ये पैसा का धंधा बंद हो जाए। ये हर डिलीवरी पे पैसा मांगती है 2,000। कहीं गरीब आदमी आए तो उनसे ज्यादा लेती है। राजा देवी, आप बच्चे की कौन है? बुआ है। क्या हुआ है पूरा मामला? इसको बुखार चढ़ आया था कल, तो मैं आई जो रो रहा था, कह रही माँ के पास ले गए इसको दूध पिलाने। मैं ले आई, उसने दूध पी लिया। मैंने कहा मैम आप लेटा लो ये, तो कह रही नहीं तू ले जा माँ के पास, की जरूरत है उसको। मैं ले गई जो रोया, फिर मैं 10 बजे आई लेके। मैंने मैम कौन नहीं ले रही, बहुत रो रहा, कह रही कि जा इसको गीले कपड़े से पोंछ देना। मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया, बोली रोए जा। मैं फिर लेके आई, मैंने कि मैम देख लो, कह रही थी बार बार डिस्टर्ब क्यों करती है कि बच्चे को, मैं डाले माँ की जरूरत है। फिर भी मैं लेकर चली गई। फिर मैं 1:30 बजे आई, मैंने कि मैम वो उसकी घाटी दब गई, रोते रोते देख लो, बहुत रो रहा। उसने नहीं माने, फिर कह रही थी बार बार क्यों तंग करती मेरे को, कुर्सी लगा ली गेट में। फिर मैंने गई, फिर मैं आई 5 बजे, चलो मैं ले बैठी थी, माँ मेरी बैठी रही, हो जाई मेरी बैठी रही, लें नहीं रो रहा है तो बिल्कुल। फिर मैं आई 5 बजे, मैंने कही कि दीदी अब उठ जाओ आप, अब तो 11 हो गया, आप तो देख लो, कह रही लिटा दे उसको। मैंने लिटा दिया है, पर जो रो जा रहा मैं वही खड़ी, कह रही जा बाहर निकल जा। आईसी रूम से मैं बाहर निकल गई, मैं गेट के बाहर खड़ी रही थोड़ी देर। मैंने कही दीदी देख तो लो कम से कम कितना बुखार चढ़ा, देख लो। नहीं देखा उसने, मैं परी रही आंधी, परी थी आंधी गई, परी रही। कौन थी वो? स्टाफ थी या कोई डॉक्टर थी? कौन थी वो? स्टाफ आई थी वो कौन?
जिस प्रकार से बच्चे के जिस्म में चींटी की एक बात निकल कर आ रही है आपके द्वारा हंगामा पड़ रहा है। कल भी चींटी लगी थी तो मैंने कही थी दूसरे में रख दो, आज भी लगी थी तो मैंने कही थी इसको दूसरे में रख दो जब इसमें चींटी लगती। अभी तक जिंदा रहा वो 8 बजे 8:30 में 10 मिनट कम तो जब जिंदा तू क्या क्या बच्चे को जो है चींटियों ने काटा है? नहीं, उसकी सांस चल रही थी, फिर उसने जो कही कि जो डॉक्टर साहब आए उसने ऑक्सीजन निकाला तो खत्म हो गया, तुरंत ही खत्म हो गया। क्या लग रहा है कि पूरी अस्पताल की लापरवाही की वजह से? लापरवाही है तो पूरी लापरवाही। पैसा मांगती रात के मेरे को 2 बजे तक बोल रही थी, पूरा कह रही थी लिमका लेगा, हाँ लिमका लेके जब मैं जगूंगी नहीं तो नहीं जगूंगी। लग रहा है आपको कि बच्चे को चींटियों के काटने से? यहाँ पर पाया जो स्वच्छता की कमी थी, भीड़ ज्यादा है, मेन हॉस्पिटल है तो महिलाएं कुछ लोग ब्लड की जांच करा के जमीन में बैठी थी, उनके लिए भी निर्देशित किया गया कि ब्रेंच वगैरह की व्यवस्था करके इनके बैठने की व्यवस्था करी जाए, ठीक है ना। जो महिलाएं जो जिनकी डिलीवरी हुई थी उनको पैड वगैरह देने का काम नहीं किया गया था, वो भी दिलवाया गया है। आगे के लिए निर्देशित किया गया है कि इनको पैड जब तक यहाँ रहें तब तक दिया जाए, घर जाने के लिए भी दिया जाए, जिससे कि स्वच्छता का जो है इस समय जो बीमारी है उनको ना हो सके। मांग की जा रही है पर प्रामाणिकता जब तो प्रमाण आ जाएगा मेरे पास कि हाँ पैसा इनसे लिया गया है तब मैं उसके बारे में बात करूंगी, है ना। जो आप बात कर रही हैं कि जो मेन हॉस्पिटल है जो यहाँ का चिकित्सालय वहाँ पर जो बच्चे के साथ हुआ उसको उसके साथ कार्रवाई की जा चुकी है, उसको निकाल दिया गया है। अब आगे जो भी दोषी पाए रजिस्टर में कुछ लोगों ने अग्रिम साइन किया हुआ था, 2 लोगों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई स्पष्टीकरण मांगा गया है, साथ में उनका 1 दिन की सैलरी काटने का आदेश दिया गया है, साथ में जो भी अनुपस्थित थे उनका भी एब्सेंटी लगाकर 1 दिन की सैलरी काटने की बात कही गई है। और यहाँ की सुविधाओं को सही तरीके से चलाने के लिए CMO और CMS को कहा गया। बात नहीं कर ढंग से भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो आप? हम रतौली गांव से है, जिला महोबा है, नाम हमारा महेंद्र सिंह है। किस लिए यहाँ पर आए थे? हमारी 28 तारीख डिलीवरी होती है हमारी घर वाली की, तो 28 तारीख को हम चले गए यहाँ से, फिर हम फोन किए एम्बुलेंस का 108 नंबर में, एम्बुलेंस पहुँची, हम यहाँ पे आ गए। बुखार ज़्यादा बच्चे को तेज था, तेज होने का जो है 3 दिन से बराबर यहाँ लगातार हम हैं, बच्चे को रखे हुए हैं, बच्चे को बुखार कम नहीं हुआ है। बुखार कम न होने का हम डॉक्टर साहब से बोला, जब डॉक्टर साहब से आपके बस का नहीं, हमको बोलिए हम बाहर चले जाएंगे, जैसे छतरपुर या झांसी बोले, हम कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं हुआ। 3-4 दिन है हमारा जी। पैसे कौन मांग रहा है, पैसे कौन ले रहा है? पैसे जो शिफ्ट में मीट में आती हैं सबको ठंडा चाहिए तो पैसा चाहिए नगद, हमने कहा 1500 रुपये लमसम दे दिया है तीनों शिफ्ट वाली मीट में। कितना परेशान है आप यहाँ? हमने आज जो है अपने मन से जो है रिफर कराया, हम झांसी जा रहे हैं इसी तरह। हमने तो देखो, हमने 1000 बाल खोल अभी हमने दिया, घर वाली ने दिया होगा हमें, हम जानकारी नहीं, क्योंकि आपकी घर वाली आपकी घर वाली 1200 दिए, 100 दिए अलग से, 100 हमने काम का दी स्टाफ की बोलो दो जो पैसा दो जी लगा थे, तो मैं हमने कहा लगा बोले अब लड़का हुआ दे, हम लिखा लड़का मतलब बहुत लड़का हुआ लड़का हुआ जो सोई के पैसे दे देना, हम गरीब आदमी तो कहाँ दे दें, लड़का हुए तो इतना खर्च करने के बाद भी बच्चे बचे नहीं हैं, लड़का बच्चे बच्चे खत्म ही होगा। लापरवाही सबसे ज्यादा हम समझे डॉक्टर की, मैडम की जो बता दें बच्चे हमारे जैसे, उनने कहा था हमने बच्चे के मत आगे दूध चुवांग लगा के उसको पालना चाहिए, वहाँ पिला दिया उसको पा दो, फिर हमारी घरवाली 3 दिन गई वही 10 बजे रात में गई कि मैडम इसको पाल लो ऑक्सीजन में लगा दो, उन्हें भगा दो, फिर भी गई 12 बजे करीब गई
फिर भी उन्होंने कहा कि मैडम पालक लेटिंग में सो गई थी, कहा तो जाओ यहाँ डिस्टर्ब ना करो हमें सोने दो। फिर मुझे लगा 1:30 बजे फोन रात में, हाँ अब 1:30 बजे फोन लगा उन्होंने, मुझे 1:30 बजे फोन लगा, फिर मैंने उठाया फोन, फिर बच्चे तो रो रहे थे, तो रो रहे थे बहुत रो रहे थे, बोले आ जाओ तो बच्चा रो रहा बन गए मैं।